हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल श्वेता के ब्लॉग्स। तो आज मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट की, जो मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल गई है सेल के दौरान। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, मे बी कि आपके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल रहे। तो आइए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। ये है हगीज़ का वंडर्स पैंट, पैंट के स्टाइल में है ये, और 12 से 17 केजी में मेंशन किया हुआ है, जो कि अब्जॉर्ब कर सकता है बच्चों के लिए, और अच्छे प्राइस पे मुझे मिल गई। और ये मैंने एक्स्ट्रा लार्ज में लिया है क्योंकि मेरे बेबीज जो हैं वो अभी अप्रॉक्स 3 इयर्स के होने वाले हैं, तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज यूज़ करती हूँ। तो इसके ऊपर भी मैं बारीकी से एक वीडियो बनाऊँगी कि न्यूबॉर्न से लेकर के अब तक मैंने कौन कौन से डायपर्स यूज किए और कौन से मुझे सबसे बेस्ट लगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अब तक सील्ड है और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ही अनबॉक्सिंग करूं इसकी। तो आपके सामने ही अनबॉक्सिंग कर रही हूं इसकी, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है, इतने बड़े कार्टून में मुझे मिली है। और ये मैं आपसे मेंशन करना भूल गई कि इसमें कितने पैंट्स हैं। ये एक्स्ट्रा लार्ज है, 12 to 17 केजी अब्जॉर्ब करता है एक पैंट, और ये जो है ये 168 की क्वांटिटी में मुझे मिला है, जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस पे वहाँ पे लगी हुई थी। इसकी ओरिजिनल प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं MRP मेंशन की हुई है 3199, और मुझे ये, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे सेल के दौरान ये मुझे 1358 or 48 इसी के अप्रॉक्स मुझे पड़ी है, यानी कि 1348 या 1358 इसी तरह से कुछ पड़ी है मुझे। मैं प्राइस यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं मेंशन कर दूँगी आपको जितने में मुझे पड़ी है। तो ये काफ़ी अच्छी डील रही फ्रेंड्स, तो मैंने झट से इसको ऑर्डर कर दिया था और सोचा कि आपके साथ इसकी रिव्यू शेयर करूं, ताकि आप भी इसे विशलिस्ट में डाल लें और जब ये अच्छे प्राइस पे आपको मिले तो आप ले सकते हैं। इसमें सारे साइजेस अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, आप वहाँ से एक बार चेक कर लेना, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप, अच्छे प्राइस पर मिला तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 168 की क्वान्टिटी में है, इसलिए मुझे 3 पैकेट्स इसके अंदर मिल रहे हैं। एक पैकेट्स में 56 पैंट है, तो 56 का 3 पैकेट मुझे मिला है, तो ये टोटल 168 पैंट्स का डायपर है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इस तरह की पैकेजिंग में है, इस तरह से 3 पैकेट्स हैं इसमें, यहाँ मेंशन किया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, ये आप बदला देती हूँ, इसके फीचर्स मैं आपको बदला देती हूँ। ये नेक्स्ट जनरेशन हगीज़ वंडर पैंट्स है, और ये 12 आवर प्रोटेक्शन के साथ है, अप टू 12 आवर अब्जॉर्प्शन, बबल बेड टेक्नोलॉजी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है इसका फीचर्स। ये डिस्पोजिबल है, और मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज में से ऑर्डर किया है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप बच्चों को डायपर पहनना है, ज़्यादा डायपर पहनाना, हमेशा डायपर पहनाना कुछ गलत नहीं है बच्चों के लिए, बस आपको इसका ख्याल रखना है कि बच्चों को रैसेस ना आए। बहुत सारे बच्चों को रैसेस आ जाते हैं डायपर्स की वजह से, क्योंकि जब हम डायपर्स चेंज करते हैं उनका, जब वो पॉटी करते हैं या शुशु करते हैं, तो टाइम टू टाइम हमें उसे चेंज करना चाहिए, और ज़्यादा लंबे टाइम तक एक डायपर को पहना कर ना रखें, उससे क्या होता है कि रैसेस आने के चांसेस होते हैं। और जब आप एक डायपर चेंज करें तो वहाँ पे थोड़े से वार्म वाटर से, किसी तौलिया या जो बेबी वाइप्स आते हैं उससे आप उसे हल्के हाथों से पोंछ सकते हैं और उसे वहाँ पर ड्राई होने दें। और जब आप देखें कि वो एरिया अच्छे से ड्राई हो चुका है बेबी का, तभी आप दूसरा डायपर वहाँ पे पहनाएं।
अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं कभी कभी कि बच्चे का एरिया वहाँ पे ड्राई नहीं होता है और हम दूसरा डायपर पहना देते हैं, जिससे रैसेस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अब तो बहुत सारे रैसेस क्रीम और डायपर रैसेस क्रीम वगैरह आ गए हैं, तो वो सब भी हम यूज करके और बच्चे के स्किन का ख्याल रख सकते हैं। तो देखिए, अभी तो सर्दियों में ये काफ़ी ज़रूरी है, तो इसमें स्टेप 1, 2, 3 आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप 1, 2, 3 इसमें है कि लिफ्ट द बेबीज लेग्स, कैसे आपको पहनाना है। ये पैंट के स्टाइल में होता है। आफ्टर द डायपर इज़ फुल्ली यूज्ड, टीयर ऑफ बोथ साइडेड, यानी कि आपको इस साइड से उसे फाड़ना होता है। दोनों साइड से आप उसे फाड़ कर और निकाल सकते हैं पैंट को इजीली, अगर उसने पॉटी किया है या फिर सुसु भी किया है, वो गीला हो चुका है पूरी तरह से तो। और उसके बाद आप उसे किसी डस्टबिन में या उसकी डिस्पोजेबल है तो आप उसे कहीं भी वेस्ट में फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बताया हुआ है कि अ कंप्लीट रेंज ऑफ साइजेस इसमें हगीज़ में अवेलेबल है, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर के डबल एक्सेल तक। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में 0 to 5 kg का वो अब्जॉर्ब करता है, स्मॉल में 4 to 8 kg अब्जॉर्ब करता है, मीडियम में 7 to 12 kg अब्जॉर्ब करता है, लार्ज में 9 to 14 kg अब्जॉर्ब करता है, एक्स्ट्रा लार्ज में 12 to 17 kg अब्जॉर्ब करता है, जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, और डबल एक्सेल में 15 to 25 kg अब्जॉर्ब करता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के 3 पैकेट्स मुझे रिसीव हुए हैं और ये काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, और मैं इसे यूज करती हूँ, बच्चों की स्किन के लिए काफ़ी अच्छे हैं ये और सॉफ्ट है। पैम्पर्स के भी डायपर अच्छे होते हैं और हगीज़ के डायपर भी मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ इसकी रिव्यू शेयर की है। तो आप चाहें तो मंगा सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिली फ्रेंड्स, तो मैंने घर से ऑर्डर कर लिया। अभी तो सर्दियों का टाइम है और अभी डायपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह के डायपर्स इसमें आते हैं, आप देख सकते हैं हगीज़, ये बैक पार्ट है हगीज़ का, यहाँ लिखा होता है हगीज़ बैक, तो ये आप बेबी के बैक में होगा और ये पार्ट जो है हगीज़ फ्रंट, तो ये फ्रंट में होगा। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इस तरह से पैंट के स्टाइल में आता है और यहाँ पे इलास्टिक लगा होता है जो कि बच्चे के लेग में जाकर बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है, और यहाँ पे सारी इलास्टिक लगी होती है, स्ट्रेचेबल होती है जो कि, और बहुत ही मीन्स कि ये सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे से जाकर वहाँ फिट हो जाती है बच्चों के कमर में, और ये थोड़ा सा भी हार्श नहीं करता है और बहुत ही सॉफ्ट है, ये बहुत ही अच्छा है। पैम्पर्स के भी डायपर अच्छे होते हैं और हगीज़ के भी अच्छे होते हैं, मैं दोनों कंपनी के रैपर्स यूज करती हूँ, और ये मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिला है इसका, तो मैंने झट से ऑर्डर कर दिया। तो फ्रेंड्स यही है, और जब आपको इसको डिस्पोजेबल करना हो, बच्चे ने सुसु किया हो या छिछी किया हो कुछ भी, तो आप यहाँ से उसे साइड से उसे ऐसे करेंगे तो ये यहाँ से फट जाएगा, यहाँ से दोनों साइड से फट जाएगा, दोनों साइड से आप ऐसे फाड़ करके और इधर से और इधर से फाड़ करके और इस डायपर को निकाल सकते हैं इजली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और काफ़ी अच्छा है। तो यही है फ्रेंड्स, इस तरह के 3 पैकेट्स हैं इसमें, 1, 2 and 3। तो अभी मैं इसमें ऐसे ही रख देती हूँ। आपने देखा कि मुझे काफ़ी लो प्राइस पे ये मिला सेल के दौरान, फिर भी ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये सेल में मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल गया था। तो अगर आपको भी ये अच्छे प्राइस में मिलता है तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अभी बहुत ही अच्छी सेल लगने वाली है दिसंबर के लास्ट में मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और ये सब से, बट ये मिंत्रा पर अवेलेबल नहीं है डायपर जहाँ तक मुझे पता है, ये फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे बहुत ही इजली अवेलेबल है और आप वहाँ पे प्राइसेस चेक कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक जो है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं एक बार और उसे विश लिस्ट कर लें, और जब आपको अच्छे प्राइस पे मिले तो
आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। और तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लिए बाय बाय।